स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में फर्स्ट पार्ट देखें, इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी आपने देखा सरदार पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी था वो देखा, आप वहाँ आ चुके हैं। सरदार पटेल की जस्ट मूर्ति है, उसके नीचे यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया जो कि बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। चलिए म्यूजियम देखते हैं, म्यूजियम में क्या है खास। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति कैसे बनी हुई है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये देख सकते हैं कितने भागों में मूर्ति बनाई गई है और मूर्ति की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जीरो है यहाँ पर, और इसके बाद ये फर्स्ट भाग है यहाँ पर, और देन ये सेकंड, और यहाँ पर थर्ड, और ये यहाँ पर फोर्थ, ये यहाँ फिफ्थ, ये यहाँ पर सिक्स, और सेवन यहाँ पर, ये एट, ये नाइन, ये टेन, ये इलेवन, और ये ट्वेल्व। ये यहाँ पर ट्वेल्व में पूरे बन के कम्प्लीट हो गई, ये देख सकते हैं कैसे इसके। तो चलिए इसके हमें और क्या है और दिखाते हैं हम, और यहाँ देख सकते हैं ये जो यहाँ पर ऊंचाई बताई गई है। अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेश डी रेडीमेड ब्राज़ील का है, इनके आप देख सकते हैं कब बनाई गई और क्या इनकी ऊंचाई है। और देन सेकंड आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले इनकी ऊंचाई दी मदरलैंड कॉल सरूस, इनकी ऊंचाई देख सकते हैं 85 मीटर, पहली है 38 मीटर और सेकेंड है 85 मीटर। और आप यहाँ देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका, इनकी जो ऊंचाई है 93 मीटर की ऊंचाई है। और देन इसके अंदर हम देखेंगे तो ये देख सकते हैं हम जापान की उशिको डायोत्सु जापान, इनकी जो 120 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर देखते हैं चीन का, तो चीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 153 मीटर की ऊंचाई है मूर्ति का, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चीन, बुद्धा की जो मूर्ति है 153 मीटर की, सबसे पहले सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती थी, जो हमारे सरदार की मूर्ति नहीं बनी थी उसके पहले, देख सकते 2008 में 153 मीटर, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति थी उस टाइम वो बुद्धा की मूर्ति थी, जो हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी कम्प्लीट नहीं हुई थी इसके पहले। और अगर हम अब बात करें तो अब आ चुके हैं हमारे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल, 182 मीटर उनका ऊँचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये देखिए 2018 में बनी कम्प्लीट हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं गुजरात में जो कला संस्कृति है, कला संस्कृति को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कुछ गुजरात के लोग हैं, देखिए ये लोग क्या काम करते हैं, और इस क्षेत्र की मूल संस्कृति और कलाओं के रूप में संगीन विविधता को महसूस कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ की कला और संस्कृति है गुजरात की, काफ़ी सुंदर कला और संस्कृति है गुजरात की, लेकिन की अपनी अलग ही पहचान है। और यहाँ पे आप अंदर आएंगे म्यूजियम में, तो म्यूजियम में एक सरदार पटेल की प्रतिमा है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये प्रतिमा है, और इसके देन हम एक प्रतिमा और है अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो नीचे म्यूजियम बनाया गया है, म्यूजियम में हूँ मैं अभी इस टाइम। आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे थिएटर है, तो चलिए हम थिएटर में देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। सितंबर 2017 में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सरदार सरोवर बांध के निर्माण, यहाँ पे जो थिएटर है, थिएटर में जो सरदार सरोवर डैम है और स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इनकी स्टार्टिंग कब हुई, कब बने, उसकी डिटेल यहाँ पे बताई जा रही है। म्यूजियम में आया हूँ, म्यूजियम में अंदर यहाँ पर मुझे एक बाबा जी देखे हैं। आप देख सकते हैं बाबा जी के स्टाल देख रहे हैं आप, कितना मस्त, कितना बिंदास स्टाल है। चलिए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी कहाँ से हैं, क्या नाम है? तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से। तो नागपुर महाराष्ट्र से हैं आप जी? आप यहाँ पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आते हैं? मैं पहली बार आया हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पहली बार आया हूँ। गुजरात काफ़ी बार आया अच्छा, लेकिन यहाँ पहली बार आया। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? काफ़ी अच्छा लग रहा है, नयापन है और काफ़ी खूबसूरत बनाया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा? स्टैचू ऑफ, मैं अभी एक वहाँ गया था, दांडी में गया था, सिर्फ कल के दिन में दांडी गया था, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। दांडी बीच है और वो वहाँ जो सत्याग्रह हुआ था वो उसका एक म्यूजियम है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ भी मैं गया था। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी मैं ऊपर गया नहीं हूँ, लेकिन ये जो अभी देखा मैंने जितना भी, तो यहाँ साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। मैं भारत में एक इतने अच्छी अच्छी जगह हमें देखने मिलती है, ये काफ़ी प्राउड फीलिंग वाली है। तो चलिए भैया जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और भैया से मेरी फ्रेंड्स सब होती रहेगी, मिलते रहेंगे बिल्कुल। और इसी साथ ही देख सकते, और भी बहुत सी फैमिली है हमारे साथ यहाँ पे, देख सकते हैं। विश्व में सबसे ऊँची जो 182 मीटर की जी जी माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू बनी है जी जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, मज़ा आ गया बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग, जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा चीज़ दुनिया में कभी नहीं देखा नहीं। और ये बात सचमुच है कि हमारे सरदार से बड़ा कोई नहीं है अब दुनिया में। 182 मीटर ऊंचाई हमारे सरदार की, अब पहले चीन की थी, तो चीन की जो बौद्ध मूर्ति थी वो थी, लेकिन हमारे सरदार से ऊँचा कोई नहीं है पूरी दुनिया में, तो इस चीज़ का हम प्राउड फील करते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद की सड़कें, यह हमारे समय था जब 1917 में ब्यूनाइक फ्लैग की महामारी थी। फ्लैग के बारे में इसमें डिटेल आपको दिखाई गई है, और कई कैसे वीरान हो गए थे। और तेज़ी से फैल रही महामारी से बचने के लिए कई लोग शहर छोड़कर चले गए थे। अहमदाबाद में प्लेग 1917, क्या आपको पता है प्लेग क्या होता है? प्लेग एक बैक्टीरिया जनित संक्रमण बीमारी है, इसके लक्षण है बुखार और प्लाज्मा। अपन ये समझ सकते हैं सभी, हमारे जो काल चल रहा है इसमें से कोरोना एक महामारी आई थी समाज में, उसी तरह एक प्लेग का जो रोग 1917 में यहाँ पर आया था।
अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि